नमस्कार दोस्तों, टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या खाना चाहिए। आपको बता दूँ, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का आजकल के टाइम में खान पान उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जिस वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में उनको सीजेरियन डिलीवरी या ऑपरेशन डिलीवरी करवानी पड़ती है। आपको बता दूँ, ऑपरेशन डिलीवरी के समय आपको तो दर्द नहीं होता है, लेकिन ऑपरेशन डिलीवरी के बाद आपके पेट के ऊपर जो चीरा लगाए जाते हैं उससे आप काफ़ी ज़्यादा दिनों तक परेशान रह सकती है, क्योंकि वहाँ घाव टाइप का हो जाता है। वही नॉर्मल डिलीवरी में आपको ऐसा किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, बस डिलीवरी के समय थोड़ा दर्द होता है, वही दर्द होता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी ही डिलीवरी का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में या पूरी प्रेगनेंसी किन किन चीज़ों का सेवन करें जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि चैनल पर प्रेगनेंसी से जुड़ी नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक महिला को क्या क्या खाना बेहद जरूरी होता है जिससे उनकी मांसपेशियां ढीली हो जाए और उनकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए। पहली चीज़ है विटामिन सी युक्त आहार। आप संतरे का सेवन कर सकती है विटामिन सी के लिए। आपको बता दूँ, विटामिन सी युक्त आहार में 90% वाटर होता है, जो आपके त्वचा को नरम और सुंदर बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के समय दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज़, पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में आपको दाल और फलिये का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप दाल और फलिये का सेवन करती है तो इससे आपको 15 ग्राम प्रोटीन रोजाना मिलता है, जो आपके शरीर को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए शुरू से ही आपके शरीर को तैयार करता है। तीसरी चीज़, प्रोटीन और कैल्शियम युक्त आहार। आपको बता दूँ, प्रोटीन और कैल्शियम आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं। आपको बता दूँ, अगर आपके शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी होती है तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु के बोन्स डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, जिस वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। चौथी चीज़, शकरकंद। आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए शकरकंद का सेवन जरूर करें, क्योंकि शकरकंद में बीटा कैरोटीन काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पाँचवीं चीज़, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिला को केले का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप केले का सेवन करती है तो इससे आपकी थकान खत्म होती है। इसके अलावा केला आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के समय होने वाले दर्द और परेशानियों को सहने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। छठी चीज़, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप पालक जैसी साग और सब्जियों का सेवन जरूर करें, ताकि आपके शरीर में आयरन, फोलेट और कैल्शियम की कमी पूरा हो सके और आपके शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो सके। सातवीं चीज़, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार का सेवन जरूर करें, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ सके और आपके शरीर की कमजोरी खत्म हो जाए और आपका शरीर इंटरनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और आपकी नॉर्मल डिलीवरी की जो संभावनाएँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ये 7 चीज़ें पूरी प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के 9वें महीने भी खाती है तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी आसानी से हो जाती है। तो यही सब थे नॉर्मल डिलीवरी फूड इन हिंदी टिप्स के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं। आप आज के इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।